फिर उन्होंने कहा कि वो जो सीढ़ियां हैं ना, इन सीढ़ियों के ऊपर मेरा कमरा है। अच्छा। आप सीढ़ियों के नीचे रख दो, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊं। या खुदाया पाका, मेरे इस हज का सवाब इसको दे दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मेरे वालों सारों जी प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तुम सारे जने बहुत ज्यादा कैंट होवोगे। वीडियो अज जी आप देखनी है वह हैगी है इफ्तकार ठाकुर भाजी होर की, बहुत ही बेस्ट कॉमेडियन, स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, तो होर पता नहीं कितने उन्होंने मल्ला मारियां। तो उन्होंने कोई किसी इंटरव्यू के दौरान कोई गल की है अबाउट मदर, माँ। ठीक है, सो देखते हैं किदा की वीडियो होने वाली है। थोड़ी आई थिंक इट कैन बी लिटल इमोशनल, तो देखते हैं। चलो पर उस तो पहला कि आप वीडियो शुरू करिए, तुसी करना अपने चैनल नूं सबसक्राइब, जिदा नाम है पंजाबी रील टीवी, इंस्टाग्राम फॉलो करना पंजाबी रील टीवी, एंड सबसक्राइब के बटन के नाल एक बनया ज्वाइन बटन, उत्थे तुसी क्लिक करोगे तुहानूं तीन टायर दिखणगे, कोई भी सिलेक्ट करके अपनी सपोर्ट सानूं दिखा सकदे हो, अपने इस चैनल नूं पंजाबी रील टीवी नूं दिखा सकते हैं। एंड जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लो, ये करना ना भुल्यो, तो आप 1 मिलियन सबसक्राइबरस पूरे करने हैं जल्दी तो जल्दी, तुहाडे साथ नाल ही ये हो सकिया। बहुत प्यार करते हैं तुसी, बहुत प्यार दिंदे आ, ते असीं भी तुहानूं उन्ना दुगना प्यार दिंदे आ। ठीक है, सो इदां ही अपनी जिहड़ी ये फैमिली है वड्डी हुंदी जा रही है दिनों दिन, सो जल्दी तो जल्दी 1 मिलियन का टारगेट जिहड़ा आपां पूरा करदे आ। सो वीडियो करदे आ शुरू बिना किसी देरी तो। मैं वो बता नहीं सकता, मसलन एक बात मैं आपकी आंखें देखना चाहता हूं, आप अगर ऐसा उतारे तो आप बताइए। एक दफा ना जी, जमजम जहां से भरते हैं गमे हिजर, वहां से लोग जमजम भर के जा रहे हैं, उस वक्त 10 लीटर का कैन अलाउ था। एक बुजुर्ग थे केपी के, उनकी उम्र रही होगी 70 के करीब, उन्होंने वो जमजम। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो आ, जिस तक मैनू पता लग रहा, जो दूजे शख्स है कि उही तो नहीं जे इश्क जलेबी के होंगे वो पापा बनते होंगे है ना, मैं उन्हों का नाम नहीं याद, तो होर भी काफ़ी सारिया काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज आ उन्होंने ने, मतलब आर्टिस्ट ने भी शायद उही ने आई थिंक, बाकी तुम मैं दस्यो। कैन भरा, थोड़ी दूर चले तो रुके, फिर उन्होंने नीचे रखा, फिर बैठ गए, फिर वो उठे, कैन उन्होंने रखा, फिर चले। जब दूसरी जगह गए तो मैंने अपना काम सारा छोड़ा, उनको मैंने कहा बाकी दोस्त, मैंने कहा यार ये संभालना, मैं अभी आता हूँ। मैं गया उस बाबा जी के पास, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं कैन आपका छोड़ दूँ, तो उन्होंने मुझे हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा। मैंने कैन उनसे लिया, मैंने उनका एक हाथ पकड़ा, अब मैं उनके साथ बातें करता करता चला जा रहा हूँ। तकरीबन 1/2 किलोमीटर उनका घर था मुख्तलिफ जगहें से, फिर उन्होंने कहा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं ना, इन सीढ़ियों के ऊपर मेरा कमरा है। अच्छा। आप सीढ़ियों के नीचे रख दो, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको रास्ते में तो नहीं छोड़ूंगा। अब वो सीढ़ियों पे नीचे खड़े हो गए, मैं गया सीढ़ियाँ चढ़ी, उसने मुझे इशारा किया कि ये वाला दरवाज़ा है। मैंने वहाँ कैन रखा, मैं नीचे वापस आया तो उसने मुझे 5 रियाल निकाल के दिए। उन्होंने कहा ये 5 रियाल। मैंने कहा बाबा जी मैं पैसों के लिए नहीं आया, अगर आपका बेटा आपके साथ होता मेरी तरह तो उसको आप पैसे तो नहीं ना देते, उस आपका हक। कहना हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी बैतुल्ला किस तरफ है, तो मैंने मीनारों से देखा, मैंने कहा वो उस तरफ है। वो बाबे ने ऐसे टर्न किया, ऐसे जोली उठाई। एक सेकंड, बैतुल्ला किस तरफ है, इदा पूछा ना नहीं, मतलब हुणे उर्दू दा वर्ड है जां अरेबिक वर्ड है, मैनू नहीं इहदे बारे कुछ नॉलेज। बैतुल्ला की हुंदा यार, प्लीज़ मैनू कमेंट करके दस्यो, बैतुल्ला किस तरफ है। चंद्रमा नूं तां नहीं किते कह रहे, चांद नूं मतलब, जां फिर मतलब जो मेन इमारत है मक्का काबा दी है ना, ओ मतलब उसे दा नाम, दूजा नाम तो नहीं किते, मतलब क्योंकि आपा उधर मूँह करके मन्नत मांगते हैं कोई है ना, तो आई थिंक शायद, बाकी तुसी मैनूं दस्यो प्लीज़। और उसने मीनारों की तरफ बैतुल्ला की तरफ कहा या खुदाया पाका मेरे इस हज का सवाब इसको दे दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अब वो मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ, उस बाबे को मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ। मैं उनसे मिलके वापसी के लिए चला, जहां तक वो मुझे नजर आ सकते थे, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। वो तब तक मेरी तरफ देख रहे थे जब तक मैं टर्न नहीं हो गया, और मैं टर्न होके थोड़ा सा आगे गया, मैं फिर वापस आया, मैंने फिर वापस आके ऐसे देखा,
तो वो बाबा खड़े थे और फिर उन्होंने मुझे यूं किया और फिर वो बाबा ऊपर गए। अब इस बात से मुझे जो बात याद आती है कि जब मैं पहली दफा अपने घर मियाँ चन्नू से कहीं जाने के लिए निकला तो मेरी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी। हमारा घर गली के बिल्कुल मिड में था। जब मैं बिल्कुल गली के कॉर्नर से मैं मुड़ता, मेरी माँ मुझे देख रही होती, मैं ऐसे करके मुड़ जाता, फिर मैं जानबूझ के थोड़ा आगे जाके वापस आता वापस माँ वहाँ खड़ी होती थी। सारे करते हैं जी। फिर मैं दोबारा से यूं कर, मेरी माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 30 साल हो गए। 30 बरस जी सर। तो बैतुल्ला के अंदर जब मैंने उस बाबा को देखा, फिर मैंने जाके जब मुड़ के देखा, वापस आके देखा, तो वो बाबा ने जब मुझे यूं किया तो मैंने फिर अपनी माँ के लिए दुआ की, तब मुझे पता चला माँ मरती नहीं। वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलती। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही और उसके फरिश्ते भी वही। उतर सकते हैं तेरी इमदाद को मलाइक अब भी, गर जाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही। अरे क्या बात है। सो गाइस, ये सी आज दी वीडियो यार, एंड दे बड़ा इन्होंने इमोशनल करता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਡ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ISPR ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘੇ ਹੋ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਕੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ
किसी चीज़ नूं भी अपने ते फील करके देखा करो, तुहानूं अगले बंदे दा दर्द महसूस होएगा ते तुहाडे च उदों ओह भावना जागेगी कि हाँ असीं इहदी हैल्प करिए, असीं सब नाल प्यार नाल गल करिए, असीं किसी नूं कोई गाल नहीं कटनी, कोई वैर विरोध नहीं। जेकर किसी तों कोई गलती मलती हो भी जाती है तो चलो उहनूं थोड़ा सैटलमेंट करके एडजस्ट करके कैरी ऑन करो, मतलब नहीं तो बहुत सारे लोग इदां दे है जिहड़े हालांकि जिहड़ियां अपनियां कम्यूनिटीज़ है अपनी कम्यूनिटीज़ दे विच लोगों के सुभाव फिर भी शांत है, प्यार वाले है, मुहब्बत वाले है, पर मैं दुनिया दे विच इदां दे लोग भी देखे है जिहड़े जरदे नहीं गए किसी नूं, मतलब जेकर तुहाडी टक्कर भी वज गई ना किसी भीड़ वाले इलाके च, उत्थे ही बहुत अगे तक पहुँच जाते हैं। मतलब कहिंदा दुनिया दे विच बहुत तरह के लोग आ, पर आपां नूं लोड़ है कि आपां सारे मिल के एक प्यार दा, एक वधिया, एक मुहब्बत दा जिहड़ा संदेश है वह देईए ते सारे जने रल मिल के रहिए, है ना। क्योंकि जिंदगी दे उत्ते कुछ नहीं पता यार किहड़े वेले की हो जाए, किसी ने कुछ नहीं देखिया, तो बस इदा इंजॉय करते रहो, चंगिया चंगिया वीडियोज़ देखो, चंगिया वीडियोज़ नूं शेयर जरूर करया करो। हुण ये वाली वीडियो आ ये तुसीं शेयर करनी है, ठीक है, वध तों वध शेयर करनी है, वट्सअप के ग्रुपां च आपदे रिश्तेदारां नूं भेजो, जिन्हों मर्जी भेजो, पर वध तों वध शेयर करया करो इदां दीआं वीडियोज़। मैं खास करके कोई कोई वीडियो होंदी है जिहते मैं जोर पाउंदा तुहानूं कि भाई शेयर करो शेयर करो, सो प्लीज़ शेयर करो, जिहड़ी चीज़ मैनूं दिलों चंगी लगती है मैं उही कहना, तो मज़ा आया। बाकी चैनल अपना सब्सक्राइब कर लियो होर इदां दीआं वीडियोज़ देखने लई चंगीआं गल्लां दे लई, ते मिलदे आं फिर किसी होर वीडियो च, तद तक मैनूं दिओ इजाज़त, सति श्री अकाल।